नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नई एक्साइज पॉलिसी में ई बिडिंग का काम जो है आज से शुरू कर दिया गया है। पिछले 3 महीनों से लगातार वाइन ट्रेडर्स अपनी मांगों को लेकर प्रशासन और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सारी गुहारों को दरकिनार करते हुए आज से ई बिडिंग का काम शुरू हो गया है। लेकिन अब वाइन ट्रेडर एसोसिएशन के समर्थन में समाज सेवक जो हैं वो भी सामने आने लगे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवक बलविंदर सिंह जी, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। बलविंदर जी, आज से ई बिडिंग का काम जो है वो शुरुआत कर दिया गया है, अब आज आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं इनके साथ एक हमदर्दी शो करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि जम्मू वाली सिविल सोसाइटी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि सरकार से जो दरख्वास्त करने के लिए आए हैं कि अभी भी वक्त रहते संभल जाइए। जम्मू के वाइन ट्रेडर्स का जो बिज़नेस पिछले कई सालों से चल रहा है, आज अचानक आपने नई पॉलिसी फ्रेम की। इस पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए एक कमेटी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाई थी, जिसमें एक्साइज कमीशनर भी था, 4 डिप्टी कमिश्नर थे और टेक्निकल पीए जो कमिश्नर के वो भी साथ थे। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी भाई, इस चीज़ से हज़ारों लोग जिसके साथ जुड़े हैं, इन लोगों का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब इस उम्र के पड़ाव में आके ये लोग कौन सा नया बिजनेस स्टेब्लिश करेंगे, सो इनके साथ कहीं ना कहीं बेइंसाफी है। लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया, उसके बावजूद ये पॉलिसी फ्रेम कर दी गई। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जब भी ये स्टेट गवर्नमेंट अभी यूटी पॉलिसी फ्रेम करती है, अपनी पीठ खुद ही थपथपाती है कि बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी आ रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिसी आ रही है। लेकिन जो माइनिंग की पॉलिसी आपके सामने आई है, आज की डेट में माइनिंग माफिया बाहर से बिल्कुल आ गया है। जो जो माइनिंग के स्लॉट उनको नहीं भी अलाट किए गए, वो वहाँ पर भी उन्होंने अभी अपना कब्जा कर लिया है। वो किसी की बात नहीं सुनते, मैं तो समझता हूँ वो ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे किसी के साथ अपनी सांठगांठ कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अच्छी तरीके से सांठगांठ कर लेते हैं कि छोटे लेवल पे जितनी भी कंप्लेंट करो वो नहीं सुनते। आज अगर 500 रुपये कहीं रॉयल्टी का रेट है, वो उसे 1500 रुपये लेते हैं। जब कोई पर्ची मांगता है तो कहते हैं जी पर्ची नहीं है, मार लेना, ले जाओ, नहीं तो दफा निकल जाओ यहाँ से। जम्मू के लोकल लोगों के पास काम होता है, कम से कम किसी की बात सुनते हैं, उनको हम कह सकते हैं बात सुनते हैं। जब ये बड़े बड़े माफिया लोग जो बाहर से आ गए, तो इनकी बात कोई नहीं सुनेगा, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, लोग जम्मू के सफर करेंगे। एक ट्राली रेत की जो 1000 रुपया थी, आज साल डेढ़ साल में वो ऐसा क्या हो गया कि 3500-4000 रुपये क्यों होगी? किसी ने मकान बनाना, गरीब आदमी 10 बार सोचता है मैं क्या करूँ, मकान कैसे बनाऊँ। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया। ट्रालियों वाले, टिपरों वाले जम्मू में बेरोजगार खड़े हैं, सबकी गाड़ियां थानों के आगे लगी हैं, 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये पेनल्टी लगाई जा रही है। जम्मू में काम चलेगा कैसे चलेगा? ये आपकी एक माइनिंग की जो आपने एक पॉलिसी बनाई थी वो आपके सामने है, टोटल फेलियर हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो इस पॉलिसी के तहत भी बाहर से बड़ा बड़ा माफिया यहाँ पर आए, वो इसमें पूरा कंट्रोल कर लेंगे, और जब मैं समझता हूँ एक बार कंट्रोल कर जाते हैं उसके बाद ताज़ जिंदगी वहाँ से जाते नहीं। आपने बाहर भी माइनिंग माफिया देखा होगा, कई ब्यूरोक्रेट्स हमारे आईएएस अफसर जो हॉनेस्ट थे, जिन्होंने कोशिश की इलीगल माइनिंग को रोकने की, गाड़ी वालों ने वो क्रश कर दिया नीचे। इतना ज़बरदस्त माफिया होता है, पैसे में बड़ा दम होता है, हर चीज़ खरीदी जाती है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ और खासकर ये कहना चाहूँगा बीजेपी वालों से कि जब आप सत्ता में आते हो, आज आप बंगाल में अगर लोगों को वहाँ लुभावने सपने बताते हो, हम आपको 1,00,000 नौकरियाँ दे देंगे। जम्मू वालों को भी आपने ये चीज़ें बताई थी भाई, हम जम्मू के बेरोजगार लोगों के लिए यहाँ नौकरियाँ इकट्ठी करेंगे, नौकरियाँ निकालेंगे और बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए और मौके फराहम करेंगे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? आज जम्मू के साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ? नौकरियां देनी दूर, आपने जम्मू में जंगल राज कर दिया। जम्मू में जो एस्टेब्लिश लोग थे, जिनका बिजनेस एस्टेब्लिश था, आज उनको आप इस बिजनेस से उखाड़ रहे हैं। वाइन शॉप ठीक है, कुछ लोग इसमें भी बड़े अच्छे लोग हैं जो फाइनेंशियली बड़े वेल ऑफ हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो विडोज हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ इन्वॉल्व था, और कुछ बेड रिडन लोग हैं जो आज की इस दौर में जब आप उनका बिजनेस बंद कर दोगे, जो बेड रिडन लोग मेडिकल खर्चा मीटअप करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? क्या सोच के आप ऐसी पॉलिसी बनाते हो? जम्मू वालों को आप धोखा दे रहे हो। मैं जितेंद्र सिंह जी, माननीय जितेंद्र सिंह जी, आप भी इस चीज़ के लिए पूरे जिम्मेवार हो, आप इस चीज़ों के लिए जिम्मेवारी लेने से ना नहीं कतरा सकते। लोग कहते हैं जी, कई बीजेपी वाले कहते हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा रोल नहीं है। भाई किसका रोल है? केंद्र में सरकार आपकी, वहाँ डायरेक्ट सरकार है, यहाँ इनडायरेक्ट सरकार है। LG साहब आपके, पॉलिसी फ्रेम होती है सेंटर से, यहाँ ये LG साहब सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं। पॉलिसीज कौन फ्रेम करता है? सेंटर से। वहाँ पर PM ऑफिस कौन बैठा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ये बेचारे यहाँ उनके पास भी गए, लेकिन जाने ऐसा क्या इंटरेस्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी? आपसे लोग सवाल करते हैं, मैं भी पूछता हूँ, क्या इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि आप बाहर के लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं? जम्मू के लोगों को
चला चलाया एस्टेब्लिश बिजनेस आप खत्म करना चाहते हो, लोगों के धंधे खत्म हो गए हैं, परचेसिंग पावर खत्म हो गई है, लोगों का ध्यान आपने इसी तरफ लगा के रख दिया। आज लोगों को कभी नया नोटिस निकाल दो, स्कूल के ऊपर झंडा लगा दो, उस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लगा दो। झंडा हमारा सिरमौर है, झंडा हमारी आन है, शान है, बन है, झंडे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं, लोगों का ध्यान भड़काने के लिए आप ऐसी बातें करते हो। क्योंकि आज युवा सड़कों पे हैं, आज बीएसएफ के आपके सामने बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं, उनको आप जवाब नहीं दे पा रहे। आज बेशुमार 60,000 डेली वेजर जिससे आपने कमिटमेंट की थी इलेक्शन के टाइम में हम आपको पक्का करेंगे, एक भी शख्स आपने पक्का नहीं कराया। सो आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों का ध्यान भड़काने के लिए ऐसे मुद्दों पर मत ले जाइए। ये झंडे फहराने से लोगों को रोटी नहीं मिलेगी, झंडे फहराने से किसी के घर में दुआ दारू नहीं आएगा। झंडे की सियासत में उलझा के लोगों को मत रखिए, झंडा आपका नहीं है, झंडा हमारा है, देशवासियों का, हर देशवासी को झंडा उतना प्यारा है, कहीं आपसे ज्यादा प्यारा है। तो इन सियासत में लोगों को उलझा के मत रखिए। मैं दरख्वास्त करता हूं इस एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में लोग आपको सबक सिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि आम लोगों तक भी ये ट्रेड पहुंच सके, इसके लिए ये पॉलिसी जो है वो फ्रेम की गई है, क्योंकि एक मोनोपोली जो है वो बन गई थी इस ट्रेड के अंदर, और अब आम लोग, जम्मू के जो आम वासी हैं, वो भी इसमें ई बिडिंग के माध्यम से आ सके, इस नजरिए को देखते हुए इस पॉलिसी को फ्रेम किया गया है। सर देखिए, जो पॉलिसी में टर्नओवर रखी गई है, जो कंडीशंस रखी गई हैं, एक आम आदमी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर बात करता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, 40 लाख का टेंडर लगा, दिल्ली से एक फर्म ने वो टेंडर जम्मू में कोट किया। मैं समझता हूँ 40 लाख का टेंडर भी वो कोट करेंगे, 4 लाख का टेंडर भी वो कोट करेंगे, 4 करोड़ का टेंडर भी बाहर वाले कोट करेंगे, तो जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? मैं माननीय जितेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि लद्दाख में आपने ऐसे राइडर क्यों लगा दिए? क्योंकि वो लोग इकट्ठे हैं, हम जम्मू वाले इकट्ठे नहीं। कोई बीजेपी का है, कोई एनसी का है, कोई पैंथर का है, अपने हितों की बात करने के लिए ये कभी यूनाइट नहीं हुए। ले में सारे पार्टियां इकट्ठी हो गई थी, दूसरे दिन अमित शाह जी को उनको दिल्ली बुलाना पड़ा, भाई आप आइए बैठ के बात करते हैं, उनके ऊपर राइडर लग गया। कोई बाहर का शख्स लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकता, कोई बाहर का वहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, कोई बाहर का कॉन्ट्रैक्टर जाके वहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता, तो जम्मू वालों को आपने इतना खुला क्यों छोड़ दिया? तो जम्मू वालों के साथ ऐसी बेइंसाफी बंद करें। ये जो पॉलिसियाँ ये कह के ला रहे हो ट्रांसपेरेंट है, हर बंदे के लिए बिडिंग है, नहीं। अब ये मैं दावे से आपको कहता हूँ कि बेशक बाहर से आएंगे लोग, जम्मू के होंगे, डोमिसाइल रखा है जम्मू में होंगे, लेकिन सारी पीछे से सारा काम काज उनका ही होगा। छोटा आदमी, जम्मू का आदमी, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि उनको कम्पीट कर सकें। क्योंकि कठुआ में जो माइनिंग का माफिया का माइनिंग का जो टेंडर हुआ था, 8 लाख का टेंडर 7 करोड़ में गया था, 8 लाख का टेंडर। सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि बतौर समाज सेवक, अगर आप जम्मू में जम्मू को ड्राई स्टेट बनाने के लिए लोगों से अपील करते, या फिर शराबबंदी की जो है वो अपील करते, तो ये समझ में आता था, लेकिन आप इस एक्साइज पॉलिसी को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, इसमें लगता है कि कुछ आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अगर सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आए भाई, इसको हम ट्राई करने जा रहे हैं, सबसे पहला शख्स मैं होऊंगा, सरकार की स्वागत करूंगा, सरकार को उस कदम को वेलकम करूंगा, उस चीज़ को वेलकम करूंगा कि पूरा ड्राई स्टेट कर दीजिए, हमें कोई त्राई नहीं, हम वेलकम करते हैं सिटीजन को। लेकिन मेरा इस चीज़ में ये है, जो लोग एस्टेब्लिश हैं, 223 दुकानें हैं जम्मू में जो एस्टेब्लिश हैं, जो काम कर रहे हैं पिछले 50 सालों से, ऐसा क्या हुआ? यहाँ तो कहिए जी शराब को बंद करनी है, हम वेलकम करेंगे, हम नारे मारेंगे, इनके जिंदाबाद करेंगे इनके, भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, जम्मू के लोगों को शराब से दूर कर दिया। शराब से आप दूर नहीं कर रहे, शराब को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, जेएनके को शराब में ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, बाहर से माफिया ला रहे हैं, इस चीज़ का मैं दुख है। हमें किसी इनके साथ कुछ नहीं है, शराब के साथ, शराब बंद करनी है बिल्कुल बड़े शौक से बंद कीजिए, हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस हो चुका है, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, उनको बंद करना, तब तो मैं उसके लिए इसीलिए आ जाए हैं कि हम उनके साथ हैं। इन्होंने इनका भी बंद किया, कल और कोई नई स्कीम ले आएंगे, नौजवानों को उजाड़ने के लिए स्कीमें लाएंगे तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन यूटी में जब आप लोगों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए बीजेपी को जम्मू के लोगों ने वोट दिया, उन्होंने धारा 370 हटाया, यूटी बनाई, तो अब यूटी के कानून तो लागू होंगे ही ना जम्मू में? देखिए यूटी के कानून लागू होंगे, लद्दाख में क्यों नहीं होंगे? मैं सवाल करता हूँ आपसे, लद्दाख में यूटी के कानून क्यों नहीं लागू होंगे? वहाँ हर चीज़ का राइडर क्यों है? आप यहाँ कमर्शियल गाड़ी लेके जाइए, कोई टैक्सी लेके जाइए, लद्दाख में ले में आपको खड़ा कर देंगे, वो पैसेंजर लेके आप ले से आगे नहीं जा सकते, आप 2 दिन वहाँ होटल में ठहरोगे, उनकी गाड़ियाँ आगे से पैसेंजर लेके जाएंगी, टैंकर बाहर से आते हैं ले खड़ा करते हैं, गाड़ियाँ बाहर से आती हैं ले माल लेके जाते हैं, वहाँ से आगे उनकी गाड़ी जाती है। कहने का मतलब है कि अपने फायदे के लिए भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, ये राइडर ये यहाँ नहीं है, बाकी 6-7 स्टेटों में भी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में भी ये राइडर लगे हुए हैं, हिमाचल में राइडर लगा हुआ है, बाहर का शख्स परचेज नहीं कर सकता लैंड, बिजनेस बाहर का बंदा नहीं कर सकता, तो जम्मू में सबको लिए क्यों खोल दिया है? कश्मीर कोई जाएगा नहीं, जो सफर करेगा जम्मू वाला ही करेगा, आज तक जो किया जम्मू वालों ने ही किया, ये हमने देखा है,
आने वाले दिनों में भी और लोगों के लिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आज आप देखते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर धरना लगा, रोज धरना प्रदर्शन होते हैं, किस लिए? प्रधान साहब इनके लोगों के साथ वायदे कर देते हैं, जितेंद्र सिंह जी उनके साथ वायदे करके गए भाई हम वैकेंसीज बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई, तो इसलिए दुख होता है। जम्मू शराब के लिए नहीं आ गया है, जम्मू के बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ आ गया है, उनको ये ना लगे कि आज हमारे साथ बेइंसाफी हुई है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं, उनको ये बताने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये देख सकते हैं कि समाज सेवक और आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय अपने फायदे के लिए जिस तरह से सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी एक ही समय में बनी थी इनके साथ भेदभाव कर रही है वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय योग्य है, और जम्मू के युवा जो हैं, जम्मू के बिजनेसमैन जो हैं, वो कहीं ना कहीं अब नई पॉलिसियों से सफ़र कर रहे हैं, और जिस तरह से वाइन पॉलिसी जो है, वाइन लीकर पॉलिसी जो बनाई गई है, उसका खामियाजा जम्मू के लोगों को उठाना पड़ रहा है। लिहाजा अगर ये पॉलिसी बनानी ही थी तो कम से कम इन्हें कुछ राहत देना चाहिए था, कुछ समय सीमा देना चाहिए था ताकि ये लोग अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर सकते और इन लोगों को कुछ सहारा मिल सकता। अब देखना ये होगा कि आज से ई बिडिंग का काम शुरू हो गया है। कल हमने जिस तरह से खबर आपको दिखाई थी कि ई बिडिंग में जम्मू का कोई भी ट्रेडर पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, ये कहना था जम्मू वाइन ट्रेडर एसोसिएशन का, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये आने वाले समय में वाइन पॉलिसी जो है या लीकर पॉलिसी जो है वो जम्मू कश्मीर में काबिज होती है, और क्या जम्मू कश्मीर में वाकई में बाहर का जो माफिया है वो इस वाइन ट्रेड पर कब्जा करेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।